अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू टी टेक मेंटोर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम इजी ईडीए सॉफ्टवेयर के अंदर कंपोनेंट्स के 3D मॉडल को कैसे अपडेट कर सकते हैं। सम टाइम क्या होता है कि जब भी हम पीसीबी को डिज़ाइन करते हैं और हम उसका 3D व्यू देखते हैं, तो सम टाइम ऐसे होता है कि हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स का 3D मॉडल शो होता है और कुछ कंपोनेंट्स का शो नहीं होता, और सम टाइम ऐसे होता है कि हमारे पास किसी भी कंपोनेंट का जो है 3D मॉडल शो नहीं होता। तो मेरे पास ये जो पीसीबी है, इसमें किसी भी कंपोनेंट का 3D मॉडल शो नहीं हो रहा। मैंने इसको यहाँ से 3D मॉडल्स को विजिबल भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कोई भी मॉडल शो नहीं हो रहा। इट्स मीन कि मुझे ये सारे के सारे कंपोनेंट्स के 3D मॉडल्स को अपडेट करना होगा। अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि आपके पास कुछ कंपोनेंट्स के 3D मॉडल शो हो रहे हैं और कुछ के शो नहीं हो रहे, तो जिन कंपोनेंट्स के आपके पास 3D मॉडल शो नहीं हो रहे, सिर्फ उन कंपोनेंट्स के आपको 3D मॉडल्स अपडेट करने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में आपको मैं यही बताऊंगा कि किस तरह से हम 3D मॉडल्स को अपडेट करते हैं। तो मेरे पास ये जो पीसीबी है, ये एक बेस ट्यून सर्किट है ऑडियो एम्पलीफायर का। इसके अंदर कुछ रेजिस्टर्स हैं, कैपेसिटर्स हैं, ट्रांजिस्टर्स हैं, वॉल्यूम्स हैं और टर्मिनल ब्लॉक्स हैं। इस वीडियो में मैं ओनली रेजिस्टर्स को अपडेट करूंगा, और आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में आपको कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर्स वगैरह जितने भी इसके अंदर कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप आपको अपडेट करना सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये जो पीसीबी मैंने डिज़ाइन की है, इसमें जितने भी मैंने रेजिस्टर यूज़ किए हैं, सारे के सारे रेजिस्टर्स का सेम साइज़ है। सिर्फ ये जो दो रेजिस्टर्स हैं 560R के, इनका साइज़ थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब आपने सिंपली क्या करना है कि जितने भी आपके रेजिस्टर्स हैं जिनका साइज़ सेम है, आपने उनको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ पर पीसीबी के अंदर आकर जितने भी मेरे सेम साइज़ के रेजिस्टर्स हैं उनको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल की प्रेस करके मैं सारे के सारे रेजिस्टर्स को एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मैंने सारे के सारे रेजिस्टर्स को सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर साइड पैनल के अंदर अगर आप देखें तो पैकेज शो कर रहा है हमारे पास XEL 0.4 और 3D मॉडल हमारे पास शो नहीं कर रहा। तो अब हमने सिंपली क्या करना है कि इन कंपोनेंट्स के 3D मॉडल को अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है, तो आपके सामने एक ऐसा बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से मैं रजिस्टर चूज़ कर रहा हूँ 1/4 वाट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने हमें रजिस्टर लगा के दे दिया। अब यहाँ पर इसकी सारी की सारी वैल्यूज़ ठीक हैं, एक्यूरेट हैं, विड्थ भी इसकी ठीक है, हाइट भी इसकी ठीक है। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरा रजिस्टर है ये थोड़ा सा डाउन हो, ठीक है, ताकि ये मुझे बोर्ड के ऐसे क्रॉस नज़र आए। यहाँ पर जो इसकी सोल्डरिंग है वो इस तरह से क्रॉस नज़र आए, ठीक है। यहाँ पर साइड पैनल के अंदर आपको इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। अगर आप इसकी विड्थ को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं, इसकी हाइट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसकी पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, तो आप चेंज कर सकते हैं। तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ कि जी एक्सिस के ऊपर मैं आकर इसकी वैल्यू कर रहा हूँ -0.1, ताकि ये मुझे थोड़ा सा यहाँ से डाउन नज़र आए। तो 0.1 करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो रेजिस्टर है ये थोड़ा सा बोर्ड की तरफ आ चुका है, नीचे की तरफ आ चुका है, और अब इसकी जो पोजीशन है वो एक्यूरेट है। तो सारी की सारी सेटिंग करने के बाद इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ अपडेट। अपडेट करने के बाद मैं इस पैनल को कर रहा हूँ क्लोज़, और अब अगर मैं आपको इसका 3D व्यू दिखाऊँ तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सारे के सारे रेजिस्टर जो हैं वो 3D मॉडल के अंदर हमारे अपडेट हो चुके हैं, और यहाँ पर हमें 3D मॉडल के अंदर नज़र आ रहे हैं। अगर ये सब करने के बाद भी आपको ये सॉफ्टवेयर जो है कंपोनेंट्स का 3D मॉडल शो नहीं कर रहा, तो आपने ये चीज़ चेक कर लेनी है कि यहाँ से लेयर्स के पैनल के अंदर 3D मॉडल विजिबल है या फिर इनविजिबल है। तो आपने सिंपली इसको यहाँ से विजिबल करेंगे तो ये आपको सारे के सारे कंपोनेंट्स 3D में शो करेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से 3D पैकेज को अपडेट करते हैं। अब यहाँ पर ये जो दो रेजिस्टर है 560R के, मैं इनको भी अपडेट कर लेता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पर आ रहा हूँ पीसीबी के अंदर, और यहाँ से मैं इनको कंट्रोल की प्रेस करके दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं सिंपली यहाँ पर आ रहा हूँ 3D मॉडल के अंदर, और यहाँ से मैं रेजिस्टर को चूज़ कर रहा हूँ 1 वाट के रेजिस्टर को, ठीक है। अब ये जो रेजिस्टर है मेरे पास 1 वाट का, इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ यहाँ पर आकर इसकी विड्थ को मैं कर रहा हूँ 0.42। तो ये आप देख सकते हैं इसकी जो विड्थ है वो एक्यूरेट एडजस्ट हो चुकी है, ठीक है। ये वाले जो
टर्मिनल्स होते हैं, आपने इनको देखना होता है कि आपके होल्स के ऊपर प्रॉपरली आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूँ, इसकी जो पोजीशन है इसको थोड़ा सा डाउन लाना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पर आकर Z की वैल्यू को -0.1 कर रहा हूँ। तो ये हमारा जो रजिस्टर है वो अपनी एक्यूरेट पोजिशन के ऊपर आ चुका है। अब मैं सिंपली इसको यहाँ से कर रहा हूँ अपडेट। अपडेट करने के बाद मैं इस बॉक्स को कर रहा हूँ क्लोज, और यहाँ पर आकर मैं इसका 3D व्यू देख रहा हूँ। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि ये वाले जो दो रजिस्टर्स थे ये भी हमारे अपडेट हो चुके हैं। आई होप कि आपको कंप्लीट डिटेल के साथ समझ आ गया होगा कि रजिस्टर्स के 3D मॉडल को कैसे अपडेट करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं बाकी के मॉडल्स को भी अपडेट करूँगा, मेरे जितने भी ये कंपोनेंट्स हैं, कैपेसिटर, वॉल्यूम्स वगैरह, इनको स्टेप बाय स्टेप मैं अपनी हर एक वीडियो के अंदर अपडेट करके दिखाऊँगा आपको। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।